हे गाइस व्हाट्स अप। सो वेलकम टू सीजी ट्यूटोरियल्स। एंड ये वीडियो है उरी अटैक के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें व्हाट व्हेन व्हाई हाउ। तो ये क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके आगे क्या होना चाहिए, अब इस पर अपन डिस्कस करेंगे। बहुत लोग को पता होगा लेकिन फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, समराइज़ कर लेंगे आप। अब देखते हैं कि ये हुआ क्या। तो बेसिकली ये पहला वो नहीं है, इसके पहले ही बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान में जो मिलिटेंट्स रहते हैं या टेररिस्ट हैं उनकी तरफ से, आतंकवादी बोलते हैं हम हिंदी में उसको। तो मैनी अटैक्स हमको मिला है, ऐसा नहीं है कि पहला अटैक है, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखिए कैसे कैसे हैं, जैसे गुरदासपुर में एक अटैक हुआ था जहाँ पर 3 गनमैन थे, उन्होंने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में और बस में क्या बोलते हैं अटैक किया था। फिर पठानकोट एयरफोर्स में अटैक हुआ था जहाँ पे 4 अटैकर्स थे, जहाँ पे चलो जनवरी 2016 में हुआ था, और फिर काफ़ी ज़्यादा देर तक गोलाबारी चली थी जिसमें 4 आतंकवादी और 2 सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो गई थी। फिर 8 जुलाई को क्या हुआ था, मेन चीज़ रिवॉल्व यहाँ से चल हुआ, जो बुरहान वानी है ये मिलिटेंट लीडर था वहाँ पे, यंग यूथ के लिए बहुत पॉपुलर था। तो जब इनको इसका इनकाउंटर हुआ तो बहुत ज़्यादा ही आक्रोश फैल गया था वहाँ के यूथ में, और इसके जब इनका देहांत जब देहांत नहीं हुआ, जब इसको मारा गया, जो जब इसकी जो इसको जब दफनाया जा रहा था, तो अराउंड 20,000 पीपल्स वर देयर एंड देर वॉज फुली वहाँ पर रिवॉल्ट हो गया और काफ़ी लोग मरे इस चीज़ में। इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम सहनी पड़ी, दे यूज पैलेट गन्स ऑल्सो एंड मैनी ऑफ द मीडिया पीपल्स ऑल्सो, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए थे कि गलत है ऐसा वैसा, लेकिन वी हैव टू सी द फैक्ट लाइक वहाँ से भी रिस्पॉन्स आ रहा था, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा था एंड अदर फैक्टर्स वर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो ये सब था बैकग्राउंड, यहाँ से पूरा मतलब धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अब उरी में क्या हुआ, उरी जो है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के पा में रहता है, एकदम कोंटे में है वो, अगर छत्तीसगढ़ी वर्ड या हिंदी वर्ड बोला जाए तो। अब एट अराउंड अब क्या हुआ, सुबह 5:30 बजे 4 हाइवली आर्म टेररिस्ट जो थे वो आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में घुस गए और उन्होंने दनादन 17 ग्रेनेड दाग दिए 13 मिनट्स में। अब इस हो क्या रहा था, इस समय जो था ट्रूप शिफ्टिंग का टाइम था, तो 6 बिहार रेजिमेंट वाले लोगों को 10 डोगरा रेजिमेंट वाले रिप्लेस करने आए थे। ओके, अब क्या हुआ, जो इनकमिंग अब ये जो थे उन्होंने सीधा उन्होंने टेंट में गए और गोलाबारी देने दागना चालू कर दिया। द इनकमिंग ट्रूप्स वर हाउस इन टेंट्स विच आर नॉर्मली अवॉइडेड इन सेंसिटिव एरियाज अराउंड LOC लाइक उरी। तो अब क्या हुआ, फिर जो द अटैकर्स स्नेक्ड इन टू द कैंप ब्रीजिंग हैवी सिक्योरिटी एंड सीम टू नो एग्जैक्टली वेयर टू स्ट्राइक। सो ये अभी भी छानबीन चल रही है कि इतना प्रिसाइज लोकेशन कैसे मालूम था उनको। ओके, अब आते हैं, अब बहुत एक गन जो काफ़ी ज़्यादा 6 आवर्स तक चली और एट लास्ट ऑल द 4 मिलिटेंट्स वर किल्ड, लेकिन हमको बहुत हानि हुई, 19 सोल्जर्स वर किल्ड अराउंड एंड पता है अराउंड 30 आर इंजर्ड, मीन्स अराउंड रेस्ट आर इंजर्ड टिल नाउ। एंड अब उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली जो मिनिस्टर्स है ऑफिशियल्स हैं इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की कि रिव्यू कंडक्ट लिए। फिर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइल्ड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR रिगार्डिंग द अटैक एंड टुक ओवर द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम जम्मू कश्मीर पुलिस ऑन 28 सितंबर। ओके, और पाकिस्तान ने सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस कैंसिल कर दिए जो कि पाकिस्तान कश्मीर में आ रहे थे जब 21 सितंबर के बाद से। ओके, और फिर इंडियन पॉलिटिशियंस बहुत सब लोगों ने कंडेम किया ये स्ट्राइक को, मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर पारिकर, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ने अपना रशिया का टूर कैंसिल किया, यह सब UN नेशन का जो कमिट हुआ था उसमें भी बहुत सारा पाकिस्तान को कंडेम किया गया इस चीज़ के लिए, हालांकि पाकिस्तान ने कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया हो रही अटैक के बारे में। फिर पीपल जो लोगों थे वो सजेस्ट करते थे कि सारे पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ देने चाहिए, समझौता एक्सप्रेस एवरीथिंग शुड बी स्टॉप टिल नाउ, मतलब एक तरह से सारा इकोनॉमिक ग्रोथ उनका बंद कर देना चाहिए जो इंडिया से आता है उनके लिए। पाक एक्टर्स को सेंड बैक किया गया, जो प्रोड्यूसर्स के जो यूनियन है उन्होंने बोला कि कोई पाक एक्टर्स काम नहीं किया करेगा। मैंने बॉलीवुड आपको पता है बॉलीवुड कैसे काम करता है, तो उन्होंने पूरा ड्रामा, सलमान खान ने कुछ बोला, महेश भट्ट ने कुछ बोला और ओम पुरी ने अभी नया नया वो बोला है, हालांकि वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओम पुरी ने बुढ़ापे के चक्कर में बोलना चाहिए, उन्होंने अपने जज्बात में आके ये बोल दिया, लेकिन जो बात बोली है बिल्कुल तरह से गलत है और बोलना ही नहीं चाहिए था ये बात। अब सार्क को सारे नेशंस ने बॉयकॉट कर दिया जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था। ओके, अब इंडिया रिस्पॉन्स हुआ क्या, इसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स। September 29th, ये डे सबको याद रहेगा, इंडियन सोल्जर डिस्ट्रॉय द मिलिटेंट लॉन्च
पैड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट आज़ाद कश्मीर, ओके, पीओके, पीओके बेस। सो व्हाट दे डिड इज़ लाइक, इन्होंने बोल मेजर जनरल जो थे आर्मी के, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 35 to 40 मिलिटेंट्स वर किल्ड एंड 2 पाक सोल्जर्स वर ऑल्सो किल्ड। वो इसी कारण मारे गए बिकॉज दे केम देयर टू डिफेंड देम बेसिकली। सो आर क्लेम एंड देयर जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जस्ट टू मेंटेन अ लेवल ऑफ प्राइवेसी एंड ज़्यादा बात ना बढ़े करके इसको इतना बताया जा रहा है। और बेसिकली इंडिया का क्लेम ये है कि हम पीओके एरिया में, जो हमारे एरिया से 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है, उतने पास में अगर मिलिटेंट्स हैं तो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हम उनको वैनिश किए। तो देयर शुड बी नो कंसर्न फ्रॉम पाक, लाइक हमने कुछ चीज़ ब्रीच किया है। ओके, अब स्टार्ट कब हुआ ये? मिड नाइट में स्टार्ट हुआ, 70 से 80 कमांडोज के। ये बेसिकली एक तरह से रिपोर्ट है, टिल नाउ इट्स नॉट बीन क्लियर। सो 3 to 4 टीम स्टार्ट हुए, 4 और 9 पैरा रेजिमेंट के जो जवान थे उनको टीम अप किया गया। अब क्या हुआ, जो टीम ऑफ जो 4 पैरा स्पेशल फोर्स थे उन्होंने LOC क्रॉस किया 9 ग्राम सेक्टर ऑफ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से, और जो 9 पैरा जो स्पेशल फोर्स के थे उन्होंने भी 7 क्रॉस किया पूंछ डिस्ट्रिक्ट से बाय 2 AM। फिर ये 1 से 3 किलोमीटर तक पैदल चले, और उसके बाद इन्होंने पूरे टेररिस्ट बेस को डिस्ट्रॉय करना चालू किया बाय हैंड हेल्ड ग्रेनेड एंड 84 mm रॉकेट लॉन्चर से, ठीक है। और जस्ट टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तान आर्मी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वहाँ PMT अटैक किया ताकि सबके सब लोग मर जाएं, और बेसिकली और पाकिस्तान के लिए वहाँ पे एक तरह से क्रॉस फायर किया गया था LOC में, ताकि डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और ताकि कोई और कैजुअलिटी ना हो। कोई किल नहीं हुआ, जबकि एक कैजुअली कैप्चर्ड हो गया, चंदू चंदू बाबूलाल। बट एक्चुअली दे आर नॉट सेइंग इट्स कैप्चर्ड, इट्स नॉट मीन्स ये अभी स्ट्राइक पे नहीं हुआ था। स्ट्राइक के बाद कुछ उसके सीनियर से कुछ बहस हो गई थी, तो उसने LOC क्रॉस कर लिया गया, वहाँ से वापस नहीं आ रहा है अभी तक। सो पाक क्वेश्चन क्या है, ऑब्वियसली सबको पता है, इन्होंने डिनाइज कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एंड इफ़ ऐसा हुआ है हमको प्रूफ चाहिए, और इफ़ अगर ऐसा हुआ है तो देन वी विल रिस्पॉन्ड बैक। ये पाकिस्तान धमकी दे रहा है, और पाकिस्तान बोल रहा है सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, जैसे कि इंडिया ने बोला कि जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट देम दे डिड, और 14 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड ऐसा बोला जा रहा है ऐसा फायरिंग में, और 1 वॉज कैप्चर्ड ऐसा पहला बोला गया था, ये बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हमने कैप्चर नहीं किया है। ओके, अब क्या बोलते हैं, 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में क्या क्या हुआ? देखिए बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, हमको अराउंड 5 डिफरेंट प्लेसेस हमको पता चला है कि मिलिटेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बोला कि भिम्बार डिस्ट्रिक्ट, जो भिम्बार लोकेशन है वहाँ पे ये फायरिंग और हुई है। पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया की तरफ से हुई, और 4 अक्टूबर को इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जो ने ये विटनेस किया कि पाकिस्तान ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो UAV होते हैं उनको भेजा जा रहा है ताकि इंडियन आर्मी का पिन पॉइंट लोकेशन देख पाएँ। ओके, सो दिस आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग टिल नाउ, इवन नाउ बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं अभी भी, तो ये सब चीज़ अभी अभी हो रहा है। ओके, दिस इज़ द आफ्टरमैथ बेसिकली इंग्लिश में बोले तो। अब ये है कि व्हाट्स नीड टू बी डन, तो बेसिकली ये है कि वी शुड स्टैंड टुगेदर एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। हम लोग को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है या वी शुड बी डूइंग दिस, एंड डिमांड ऑफ प्रूफ अकॉर्डिंग टू माई व्यू इज़ एब्सोल्यूटली रबिश। लाइक वी हैव टू ट्रस्ट अवर आर्मी, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट दिस टाइम, इट्स अबाउट द नेशन दिस टाइम। ओके, सो द पीपल द कांग्रेस पीपल एंड द लाइक अरविंद केजरीवाल एंड ऑल, व्हाट दे आर आस्किंग इज़ लाइक दे ऑन वन हैंड दे आर प्रेजिंग नरेंद्र मोदी, दे डोंट नीड टू बी प्रेज नरेंद्र मोदी और समथिंग, दे जस्ट नीड टू डू एंड से वॉट अवर आर्मी हैज डन, दे नीड टू प्रेज अवर आर्मी। सो आर्मी को प्रेज कीजिए, और गवर्नमेंट उनको ये लग रहा है कि द BJP विल मेक टेक इट एज अ प्रॉफिट फॉर देम एंड दे मेक इट एज अ वेपन इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो दिस इज ऑल द थिंग्स विल नॉट बी कम इन इन टू द माइंड ऑफ द पॉलिटिशियंस एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है, और द पीपल हु आर डाइंग देयर इज ऑफ आवर ओल कंट ऑफ आवर ओन कंट्री। सो दिस आर ऑल दिस थिंग्स शुड नॉट बी डन, एंड डिनाई ऑल कॉन्टेक्ट फ्रॉम पाक फॉर अ लिटिल वाइल, एंड देन गिव पाकिस्तान 3 months टू कम्प्लीटली वाइप आउट द टेररिस्ट ग्रुप, इफ नॉट देन दे आर गिव टेक परमिशन फ्रॉम UN एंड ट्राई टू एटलीस्ट इवैक्यूएट द POK रीजन एंड एट लास्ट ट्राई टू अवॉइड द वॉर एटलीस्ट एज फार एज वी कैन। सो गाइज दिस वॉज द ओवरऑल ओवरव्यू, सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, इफ़ इट्स हेल्पफुल गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड एनीथिंग जस्ट कमेंट बिलो। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।